वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है हाउ डज पीपल ड्रिंक नीट व्हिस्की, कैसे पी लेते हैं नीट व्हिस्की। अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आता रहता है कि दादा आप ड्रिंक कैसे कर लेते हो नीट, हम लोगों को तो बहुत घटिया लगता है। तो उसका आंसर जो है वो है कि जब आप पहले ड्रिंक्स को टेस्ट किए थे कि आपको बहुत अच्छा लगा था, आप बोल रहे थे क्या घटिया ड्रिंक्स है, कितना बेकार लगता है, फिर भी लोग पीते हैं। बट आज देखिए, आज आपने एक टेस्ट डेवलप कर लिए और आपको आज कितना अच्छा लगता है ड्रिंक्स, है ना। तो एक्चुअली ये एक हैबिट है, अगर हम लोग इसको डेवलप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा नीट ड्रिंकिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, नीट ड्रिंकिंग को लेकर बहुत सारा मिथ है, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है और बहुत सारा क्वेश्चन भी है आप लोगों के मन में। तो आज इस वीडियो की जरिए मैं आपको वो सारा क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो नीट ड्रिंकिंग, ये जो आर्ट है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है आराम से अपनी ड्रिंकिंग स्टाइल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहले जानेंगे कि नीट ड्रिंकिंग एक्चुअली है क्या चीज। नीट ड्रिंकिंग बहुत सिंपल है, एक ग्लास रहेगा, विस्की ग्लास, और जहां पर आप एक ब्रांड चुन लीजिए, जैसे कि मेरे पास आज शिवास 12 है, तो उसको पोर कर देना है 30 या 60। तो मैं 30 पोर करूंगा और इसी को कहते हैं नीट ड्रिंकिंग, मतलब रॉ फॉर्म ऑफ एल्कोहल, जिसमें आप कुछ भी नहीं मिला सकते हो, ना वाटर, ना आइस, ना सोडा, ना कोक, ना बर्फ, कुछ भी नहीं। रॉ फॉर्म ऑफ एल्कोहल जिसको कहा जाता है नीट। अब इसको पीना, मतलब सब बोलते हैं कि इंडिया में स्पेशली इतना हॉट कंट्री में पीना बिल्कुल सही नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज में चलो ठीक है क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है तो आप नीट पी सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नीट ड्रिंकिंग एक आर्ट है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसको सीखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है और हैबिट आपको प्रो बना देता है नीट ड्रिंकिंग में। तो आज मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बोलूंगा कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये व्हिस्की प्योरली नीट नहीं है। कंपनी जब आपको व्हिस्की सेल करता है तब उसमें 60-40 का रेशियो रहता है, मतलब अगर बॉटल के पीछे घुमाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है 40% अल्कोहल या 42.8% अल्कोहल, बाकी क्या है, बाकी तो पानी ही है। तो एक्चुअली आप नीट नहीं पी रहे, आप जो पी रहे वो है बेस्ट ड्रिंकिंग फॉर्म, और मोस्ट ऑफ द कंपनी रिकमेंड करता है नीट ड्रिंक करने के लिए क्योंकि इसमें आपको वो सारा फ्रेग्रेंस, सारा नोट्स मिलने वाला है जो यूजुअली हम लोगों को नहीं मिलेगा अगर हम उसमें आइस, पानी, सोडा ऐसा डाल देंगे। इंडिया में एक तरीका है ग्लास को पकड़ने का और यहाँ से पता चल जाता है कि हम लोग कितना डेंजरस है ड्रिंकिंग के मामले में। देखिए ऐसे पकड़ते हैं हम लोग, है ना, ग्लास को याद करके देखिए आप लोग, ठीक ऐसे पकड़ते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे या फॉरेनर्स को देखेंगे जो व्हिस्की इंथिसियास्ट है, व्हिस्की ड्रिंकर है, वो लोग व्हिस्की को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ पर पकड़ते हैं, मतलब बेस के सामने पकड़ते हैं। हम इंडियन यहाँ पर क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी पीना है, हम लोग चक करते हैं, जल्दी जल्दी पीते हैं, हम लोग को नशा होना चाहिए और इसीलिए हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, जबरदस्त तरीके से पकड़ते हैं और फटाफट पीते हैं। बट फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ पर इस पकड़ने का एक ही मकसद है कि इसको बहुत टाइनी सिप लेकर पियेंगे, बहुत धीरे और आराम से पियेंगे, यही से पता चलता है हम लोग का ड्रिंकिंग कल्चर। तो आगे से याद रखिएगा ऐसे पकड़िए, तो इसमें आपको कम से कम याद रहेगा कि आपको स्लो ड्रिंकिंग करना है। नीट व्हिस्की ड्रिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है स्लो ड्रिंकिंग। यूजली क्या होता है, मान लीजिए मैं ये 30 ml जो व्हिस्की डाला और इसको आपको कितना टाइम तक पीना है, तो आपका आंसर होगा कितना यार, इसमें तो हम लोग बड़ी मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगाएंगे, 5 मिनट भी नहीं यार, तभी पी जाएंगे। बट कहा जाता है कि अगर आप 30 ml ड्रिंक्स पीना चाहते हैं और प्रॉपरली एंजॉय करना चाहते हैं तो ये 30 ml ड्रिंक्स को आपको हाफ एन आवर देना है, कम से कम हाफ एन आवर देना है, अगर उससे भी ज्यादा होता है तो भी दीजिए। इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि टैनी, उससे भी टैनियर शिप आपको लेना है, तब जाके आप इस व्हिस्की को मैक्सिमम टाइम तक स्पेंड करके पी सकते हैं। कहा जाता है कि नीट व्हिस्की जब आप पियेंगे तो हॉट टी की तरह पीजिए, हॉट ब्रांडी की तरह पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, आराम से पीजिए।
बट हम लोग का कंसेप्ट उतना नहीं रहता है, जैसे कि हम लोग का ड्रिंकिंग कल्चर में कहा गया कि जल्दी जल्दी पीना है। मोस्टली हम लोग क्यों करते हैं इतना जल्दी जल्दी, उसका भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, जब भी हम लोग पार्टी करते हैं फ्रेंड्स के साथ, सब हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अल्कोहल के ऊपर। मतलब मैं अपना हिसाब से 100 रुपया दिया, वो दिया 500, वो दिया 600। अब जब टेबल में आता है तो मैं जो 100 रुपया दिया हूँ, मैं अपना 100 रुपया उठाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पीता रहता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब दिमाग से हटाइए और ड्रिंक्स को प्रॉपरली एंजॉय कीजिए नीट पी के। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि नीट को कैसे ड्रिंक करते हैं, कैसे पीते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई विस्की है नीट डाला हुआ, तो आपको बहुत टाइनी लेना है। आपको ज़्यादा क्यों नहीं लेना है, उसका भी मैं एग्जांपल आपको तुरंत दे दूंगा। पहले तो आपको नोज करना है, जो मैं बहुत सारा वीडियोस में बता चुका हूँ, आई बटन में क्लिक हो रहा है, जाके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट टेस्टिंग में आता हूँ, टाइनी सिप। हाँ, एक चीज नोटिस कीजिए कि मैं बहुत टाइनी एक सिप लिया और माउथ में उसको पूरा रोटेट किया, टंग के नीचे, टंग के ऊपर, ये साइड, वो साइड, सब जगह रोटेट किया। अब जब अल्कोहल इनहेल करते हैं तो वो एक्सहेल होता है मुंह से। अब ये जो साइकिल चलता रहता है, इसमें आपका बॉडी जो है ना टेम्पटेड हो जाता है, वो कोशिश करता है कि अभी आगे जाके कुछ होने वाला है। और जैसे ही आप एक टाइनी सा सिप लेते हैं, तब क्या होता है, आपका माउथ जो है ना काफी वाटरी हो जाता है। एक्चुअली वो वाटर नहीं है, वो है सलाइवा। और इससे क्या होता है, विस्की आपका डाइल्यूट भी होता है। मतलब इसका जो परसेंटेज अगर है, मान लीजिए 42.8% अल्कोहल है, वो जैसे ही माउथ में जाता है उतना टाइनी सिप, और वो सलाइवे के साथ वाटर को ऐड करता है विस्की में और उसको डाइल्यूट करता है और उसको लेकर जाता है 35% ऑफ अल्कोहल की तरफ, जो आपको काफी सूदिंग लगता है। और आप जब स्लोली उसको गल्प करते हैं तब आपको, या सैलो करते हैं तब आपको अच्छा सुकून मिलता है, आपको निर्वाणा फील देता है। तो यह है प्रोसेस। अब क्या होता है, अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे बंदे हैं जो डायरेक्ट ज़्यादा करके विस्की ले लेता है। अब होता क्या है, जैसे वो थ्रोट में पहुंचता है कि विस्की जो है ना आपको ढकेलता है, बहुत जोर से धक्का देता है और सब खांस उठते हैं, ओह ओह करके खांस उठते हैं और नाक माक से निकलने लगता है, बोलते बाबा कितना स्ट्रांग है विस्की। अल्टीमेटली आपने जो है बहुत बड़ा एक सिप ले लिया, तो ये आपको फाइट दे दिया, मतलब धक्का दे दिया। ये है प्रोसेस, मतलब यूनिक टेक्निक टू एंजॉय योर ड्रिंक। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब टाइनी सिप लीजिएगा, बात कीजिए, रखिए इधर उधर, थोड़ा सा आपका फ्रेंड जो है जिससे आप ड्रिंक कर रहे हैं, जिसके साथ, उसके साथ थोड़ा बात कीजिए, फिर लीजिए और थोड़ा सा फिर। इसको बोलते हैं जेन्युइन प्रोसेस टू एंजॉय योर नीट विस्की। अक्सर हम लोग ये फॉलो नहीं करते हैं और हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो घटिया हो जाता है। इनिशियली आपको ये बहुत गलत लगेगा, आपको वो नोट्स, वो फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं मिलेंगे, बट आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको वो सारे नोट्स मिलने लगेंगे जो यूजुअली उन पर्टिकुलर विस्कीज के साथ है या जुड़ा हुआ है। आप स्लोली डेवलप करेंगे आपका नोज को, आपका माउथ को, आपका पैलेट को विस्की को परखने के लिए। फ्रेंड्स, ये है प्रोसेस हाउ टू ड्रिंक नीट विस्की। अगर हेल्थ का बात करूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि ये उतना हेल्थ में इफेक्ट नहीं करेगा टिल द टाइम यू आर डूइंग मॉडरेट ड्रिंकिंग। मॉडरेट ड्रिंकिंग का मतलब है कि अगर आप ये, जैसे कि मैंने 30 ml लिया, आप बैक टू बैक 90 ml अगर लेंगे और थोड़ा आराम से ड्रिंक करेंगे तो ये खतरनाक बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, और ये आपका लीवर को भी डैमेज नहीं करेगा। देखिए, ये जो अल्कोहल है ये अभी 43% अल्कोहल है, इसको अगर हम लोग पानी से भी पियेंगे तो ये 43 ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप नीट ड्रिंकिंग कीजिए। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ के लिए ऐड करूंगा, ये जो हमने प्रैक्टिस किया इसको एक्चुअली कहा जाता है टेस्टिंग, नॉट ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग आपका स्टाइल होना चाहिए, ड्रिंकिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो मर्जी आप इसमें मिला के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर वो
अच्छा कोई ब्रांड हुआ तो, अगर नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। तो फ्रेंड्स जब आप सोशल ड्रिंकिंग के लिए नीट चूज करोगे या नीट ड्रिंकिंग करोगे तो आप एक प्रॉपर विस्की इंथिसियस कहलाओगे आदर्स के सामने। आप यू नो आप प्रॉपर एप्रिसिएशन करके विस्कीज को पी रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो ये कुछ अलग इंडिकेशन देता है जो आसपास का सराउंडिंग है वो लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगता है कि नहीं इस बंदे को प्रॉपर तरीके से विस्की पीना आता है, नीट पी रहा है, कुछ अलग रेस्पेक्ट है। जैसे कि होता है ना आईफोन लेकर घूमते रहते सब आईफोन, वैसे ही कुछ है। एनीवे सो इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली कि आपको कैसे अच्छा लगता है। अगर सच में अगर नीट ड्रिंकिंग आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप डैश ऑफ वाटर इसमें डाल के थोड़ा सा डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं, बट नॉट लॉट ऑफ वाटर। कभी भी लोकल ब्रांड या बजट ब्रांड के साथ नीट ड्रिंकिंग मत कीजिए क्योंकि वो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसकी इसमें मोस्टली मोलसस होता है या न्यूट्रल स्पिरिट होता है जो बहुत ही बर्न करता है आपका यू नो पैलेट को जैसे ही आप डायरेक्ट लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सब बजट सेगमेंट विस्कीज के लिए नीट विस्की ड्रिंकिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो आगे से याद रखिएगा, जब भी आप विस्की को टेस्ट करेंगे तब जाके नीट ऑप्शन को पहले चुनिए, और अगर ड्रिंक करेंगे तो आपका मर्जी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड डोंट डू चेस। डू जय हो।